दोस्तों, हमें आदत है फ्री एप्लीकेशंस यूज़ करने की, फिर वो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, लाइक फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, मतलब जितने भी सोशल एप्लीकेशंस हैं या फिर और भी ऐसे बहुत कैटेगरी के एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं एप्लीकेशंस, ये पैसा कैसे कमाते होंगे? क्योंकि ये हम लोग बाखूबी जानते हैं एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में बहुत अच्छा खासा मोटा रकम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आखिर ये उनकी सारी सुविधाएं, उनके सारे फंक्शन हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों देते हैं? क्यों हम उनके एप्लीकेशन को फ्री में यूज कर पाते हैं? डोंट वरी, आज आपको मैं इस वीडियो में बोर नहीं करने वाला हूं। बहुत ऐसे छोटे छोटे चीज बताऊंगा आपको, कंपनीज कैसे अर्न करती हैं, जिनसे आपको कुछ नए आइडियाज मिलेगा, यानी कि आप कुछ नया बिजनेस करने के लिए एटलीस्ट मोटिवेट तो हो जाओगे इस वीडियो के बाद। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फ्री एप्लीकेशंस हमारे डाटा का, हमारे हम जो देख रहे हैं उसको सेल करके कैसे अर्निंग करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें दोस्तों, जितने भी आप फ्री एप्लीकेशंस देख रहे हो, बहुत फ्री एप्लीकेशंस हैं, मतलब ज़्यादातर, इवन ये भी होता है कि अगर हमें कोई पेड एप्लीकेशन मिल जाए और उस एप्लीकेशन के वो फीचर्स को हमें यूज़ करना, एग्जांपल के तौर पे जैसे काइन मास्टर एप्लीकेशन प्रीमियम एप्लीकेशन, उसके कुछ फीचर्स प्रीमियम है, हालांकि फ्री में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसमें वीडियो एडिट करते हो तो वो वाटरमार्क वहाँ पे शो करता है, और उस वाटरमार्क को हटाने के लिए आपको पे करना पड़ता है सम अमाउंट काइन मास्टर को, तब आप उसमें बहुत सारे उसके एक्स्ट्रा फंक्शंस को भी यूज़ कर पाते हो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के एप्लीकेशन और भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें भी ये सोचते हैं कि यार इसका कोई अल्टरनेट एप्लीकेशन मिल जाए या फिर इसका कोई क्रैक वर्जन मिल जाए ताकि हम उसके सारे फीचर्स को फ्री में यूज कर सकें, ठीक है। चले आप सीधे पॉइंट पे आता हूं मैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले एप्लीकेशंस होते हैं ये कमाते कैसे हैं, हमसे कैसे अर्न करते हैं यार उनके, आपको शायद पता होगा और नहीं भी पता तो भी बता देता हूं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब एप्लीकेशन बनाने में ना करोड़ों का खर्चा लगता है, करोड़ों का, बहुत डेवलपर्स, पूरी टीम इसमें लगी रहती है, उनकी सैलरी, स्टाफ मेंटेनेंस, ऑफिस का खर्चा, वो सब खर्चा वो कहाँ से लाएंगे अगर आपको वो सारी चीज़ें फ्री में दे देंगे? तो एक्चुअल में वो यहाँ से लाते हैं। सो डोंट वरी, मैं सिर्फ एक उनके कमाई के जरिए जो है बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ एक की बात करने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, और सभी एप्लीकेशन का अपना मोनेटाइजेशन मॉडल अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सभी मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज हैं जो फ्री एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन को मोनेटाइज करने के लिए, ठीक है। तो जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। यस, जब भी कोई आप फ्री एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एड दिख जाता होगा, जरूर, ये जाहिर सी बात है। विदाउट एडवर्टीजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन कैसे सर्व करेंगे मार्केट में, कैसे पैसा कमाएंगे, ठीक है। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे भी वीडियो देखने के पहले आपको देखिए कितने एड्स आते हैं, पिक्सार्ट हो गया, ठीक है, फेसबुक पे देखिए जाके आपको, फेसबुक पे अपने फीड्स के नीचे कहीं ना कहीं आपको स्पॉन्सर्ड एड दिख जाता होगा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट इनका फर्स्ट पहला जरिया होता है, ठीक है। अब बात करूंगा दोस्तों सेकंड पॉइंट की तरफ, सेकंड पॉइंट है सेलिंग मर्चेंडाइज, ठीक है। अब यूट्यूब पे भी आप लोग देख लो कि कहीं ना कहीं, हालांकि ये नेक्स्ट फीचर्स का आने वाला है कि आप वहां से भी डायरेक्टली सेल कर पाओगे, बट अभी फिलहाल वहां पे स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं किसी अदर वेबसाइट के, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत फ्री एप्लीकेशन है जहां पे आप उनके फ्री सर्विसेज को यूज कर रहे होते हो और वो कुछ प्रोडक्ट्स वहां पे सेल कर रहे होते हैं, हालांकि ये आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पे प्रोडक्ट को आपके सामने सर्व करते हैं, सभी यूजर्स को अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट को सर्व किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली तरीके से आपके आई कैचिंग को, आप जो चाहते हो आपके सामने सर्व करके प्रोडक्ट को सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। सेलिंग मर्चेंडाइज ये सेकंड स्ट्रेटजी होता है, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी ये सेकंड होता है, किसी फ्री एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता होगा, और फ्री एप्लीकेशन इसका बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं कि अपने यूजर से कैसे सामान खरीदवाना है, उनसे उनके सामने क्या सर्व किया जाए, वो क्या ढूंढ रहा है कि उसके सामने हम रखें और फटाफट वो बाय कर लेगा। अगर आज आपको लैपटॉप चाहिए, आप कहीं गूगल पे सर्च कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम जाओ यूट्यूब पे वीडियो वॉच करो, सिर्फ लैपटॉप के ऐड आपको दिखेंगे, ताकि आप, और अच्छी अच्छी डील्स वहां पर दिखेंगे ताकि आप बाय कर लो, ठीक है, ये होता है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं थर्ड मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी की तरफ, और थर्ड मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी है इन ऐप परचेस, और ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जो अपने प्रीमियम फीचर्स, मतलब कुछ फीचर्स उनके फ्री रहते हैं, कुछ फीचर्स उनके जो बहुत बेस्ट वाले रहते हैं वो प्रीमियम रहते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको काइन मास्टर का एग्जांपल दिया, वहां पे क्या होता है कि कुछ फीचर्स आप लोग फ्री में यूज कर सकते हो, यस वीडियोस आप एडिट कर सकते हो, लेकिन वाटर मार्क हटाने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो इन ऐप परचेस में इनडायरेक्टली वो अपने कुछ फीचर्स को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जो बिल्कुल पेड रहते हैं, बट फिलहाल हम लोग फ्री एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री एप्लीकेशन में, फ्री एप्लीकेशन क्या करते हैं, कुछ फीचर्स अपने फ्री में यूज करने देते हैं और बाकी के कुछ फीचर्स को वो लोग पेड रखते हैं, ठीक है। ये थर्ड मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी होती है किसी भी फ्री यूजर्स, जो फ्री एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उनके लिए, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ, फोर्थ पॉइंट है दोस्तों स्पॉन्सरशिप। यस,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप एक एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो। खैर आपको ये सारी नॉलेज होनी भी चाहिए, होगी भी शायद, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप एक बहुत बड़ा जरिया रहता है पैसा कमाने का अगर आपके पास यूजर्स हैं तो। वो एक कहावत भी है कि जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जनता है, आप उनके, आपके पास डाटा है उनका पूरा। आप अपने हिसाब से, अब देखे समझ के चलिए, एक यूट्यूबर है, ठीक है, उसके पास 1 लाख व्यूवर्स हैं जो उसके वीडियोस को डेली देख रहे हैं। तो कोई भी एडवर्टीजमेंट कंपनी चाहेगी कि उसके प्रोडक्ट का एड उस चैनल पे किया जाए, ठीक है। टीवी चैनल्स वाले भी तो यही करते हैं ना, अपने यूजर्स जो अपने ऑडियंस उनको देख रही होती है उनके आई का जो वो देख रहे हैं उसका फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप यानी कि आपके पास अगर यूजर है, यानी कि एप्लीकेशन में अगर ज्यादा यूजर है, जैसे कि फ्री एप्लीकेशन में अगर ज्यादा यूजर्स हो गए तो बड़ी बड़ी कंपनियां खुद स्पॉन्सर्ड करती हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का ऐड करो अपने एप्लीकेशन के अंदर, हम आपको सम अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। ये होता है फोर्थ मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी किसी भी फ्री एप्लीकेशन के अंदर जो फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उनके लिए, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ। रेफरल मार्केटिंग भी की जाती है फ्री एप्लीकेशन के अंदर। आप देखो गूगल पे के अंदर, अब देखो क्या होता है, यूजर्स तो और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो गूगल पे क्या करता है, आप अपने एक फ्रेंड को शेयर करो, आपको 25 रुपीज़ मिलेंगे, आपके फ्रेंड को भी 25 रुपीज़ मिल जाएंगे। इससे क्या हो गया, उसका यूजर बढ़ रहा है, भले वो स्टार्टिंग के 25 रुपीज़ दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो बाद में किस तरह उसको 250 रुपये 2,500 रुपये तक लेकर आने वाला है वो गूगल को अच्छे से पता है। और ऐसे बहुत एप्लीकेशन है जो रेफरल मार्केटिंग करके भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। सिक्स्थ पॉइंट है कलेक्टिंग एंड सेलिंग डाटा, ठीक है। ऐसे बहुत एप्लीकेशन, इवन फेसबुक ने तो सीधा ओपनली बोला हुआ है कि वो आपके डाटा को सेल करता है, आपके डाटा को भी शेयर करता है कहीं। तो जो आप कोई भी एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपका डाटा कलेक्ट कर लेता है, नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, आपका इंटरेस्ट किस में है, ये सारी चीज़ों को डाटा वो कलेक्ट करके वो अदर कंपनीज को भी सेल कर देते हैं, ठीक है। आप कभी कभी ये सोचते होंगे, यार मैंने आज तक लोन नहीं लिया फिर भी मेरे को लोन के लिए कॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो उस लोन कंपनी को आपका डाटा मिला होगा ना, तो ये डाटा सेल किया जाता है दोस्तों। तो कलेक्टिंग एंड सेलिंग डाटा भी एक मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी है, फ्री एप्लीकेशन जो रहते हैं वो यूज़ करते हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। खैर ये छोटे मोटे एप्लीकेशन जो रहते हैं वो शायद ना समझ पाएं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सेवेंथ, और ये इंपॉर्टेंट भी है, सेवेंथ है फ्रीमियम अपसेल। अब क्या होता है दोस्तों कि फ्री वाले एप्लीकेशन आपका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं से वो अपने प्रोडक्ट को पिच करते हैं, यानी कि वो आपको, मतलब मार्केटिंग के जरिए आपको मेल भेज देंगे, कहीं ना कहीं से आपको वो, आपसे वो प्रोडक्ट अपना बाय करवा ही लेते हैं। मेल भेज सकते हैं आपको, मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। आपके डाटा का बाखूबी यूज़ करना चाहते हैं ये बड़े जो फ्री एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको आपके पूरे डाटा कलेक्ट करेंगे, आपका डाटा उनको मिल गया, मेल आईडी नंबर मिल गया, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को मेल के जरिए बेचेंगे या फिर मैसेज के जरिए वो लिंक वगैरह भेज के आपसे वो जो प्रोडक्ट रहता है बाय करवाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ 6-7 स्ट्रैटेजीज थी, मोनेटाइजेशन मॉडल्स थे जो फ्री एप्लीकेशंस यूज़ करती हैं। अगर आप भी अपने एप्लीकेशन को बनाना चाहते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, लेकिन इन 7 स्ट्रैटेजीज को जरूर यूज़ कीजिए आप अपने मोनेटाइजेशन मॉडल में। और आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।